मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जिन पर करोड़ों रुपये सरकार खर्च कर रही है और बच्चों के भविष्य की नींव इस विभाग को ही माना जाता है। लेकिन आज इस विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के सिर पर हादसे का खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझ रहा है, या फिर कहे कि उन्हें बड़े हादसे का इंतजार है। हम बात कर रहे हैं महिला बाल विकास परियोजना बागली के अंतर्गत आने वाले ग्राम कमलापुर में आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 का मामला सामने आया है, जहाँ पर वर्षों पुराने केंद्र भवन अब जर्जर हो चुका है, जगह जगह से प्लास्टर गिरने लगा है। ऐसे जोखिम भरे भवन में आंगनवाड़ी का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पर आने वाले बच्चों के सिर पर हमेशा खतरा मंडराता हुआ दिखाई देता है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। तो पर खतरा का मंडरा रहा है तो क्या कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर? इसमें ग्राम पंचायत से ठहराव प्रस्ताव कर महिला बाल विकास बागली को भेजा जाएगा और जो स्वीकृति मिलेगी महिला बाल नया भवन बनाने के लिए, उसके बाद नए भवन का काम चालू करेंगे स्वीकृति मिलने पर। अन्य भी भवन कुछ ऐसे ही बता रहे हैं गांव के अंतर्गत, तो उनका भी क्या निरीक्षण किया जाएगा? उनका भी देखेंगे और जो होगा पंचायत के पास कुछ राशि होगी मरम्मत करने के लिए तो पंचायत से भी लगाएंगे। केंद्र पूरा जर्जर हो रहा है, जगह जगह से प्लास्टर निकल रहा है, तो कैसे क्या बच्चों को यहाँ बिठाते हैं और कैसे पढ़ाई कराते हैं? तो सर बच्चों को हम बाहर बिठाते हैं और जैसे बरसात में तो ना बहुत मुश्किल होती है हमको, जैसे सिर्फ खाना खिलाते इतनी देर अंदर बिठाते हैं फिर बच्चों को छुट्टी कर देते हैं। सर महिला बाल विकास में 3-4 बार आवेदन दिए हैं, ग्राम पंचायत में भी दिए हैं, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। क्या कहना पड़ रहा है अधिकारियों का? अधिकारियों का कहना कुछ भी नहीं पड़ रहा है सर, बस बोलते हैं बन जाएगा, नए सत्र में पास हो जाएगा। ग्राम पंचायत ने भी इसको जर्जर घोषित कर दिया है, लेटर पेड पर लिख के दे दिया है, फिर विभाग में भी दे दिया वो लेटर बना के, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।